आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ चल रहा हूँ। आप मेरी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरी थी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आप मथुरा वृंदावन की साइड में भी दिखाइए, कि जिससे हम कोई आध्यात्मिक चीज़ जगह पर कुछ अच्छी प्रॉपर्टी ले सकें। तो हमने जो स्टार्ट किया है वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, अब हमने वहाँ की कई प्रॉपर्टीज़ हम लोग आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट किया है हमने हाईवे की प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया है, जो ऑन हाईवे, क्योंकि कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम हाईवे से आप अंदर चलते हैं तो लोग बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हाईवे पे ही ले मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने जो स्टार्ट किया है तो इसी उससे करीबन मतलब अप्रोक्सीमेटली 14-15 किलोमीटर पहले ये आपका पड़ता है। ऑन हाईवे की प्रॉपर्टीज़ है, तो ऑन हाईवे की प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए हम लोग चल रहे हैं आपको। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो लाइंस हैं या रोड है या जो कनेक्टिविटी है, जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है, नोएडा की कनेक्टिविटी है, इवन जो आगे की भी कनेक्टिविटीज़ हैं, तो ऑन हाईवे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जैसे पलवल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, बिल्कुल उसी मतलब हाईवे से ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मथुरा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वृंदावन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। तो इजीली आप पहुंच सकते हैं प्रॉपर्टी पे। उन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जो है प्लॉट कटिंग जो हो रखे हैं वो आपका 50 गज से स्टार्ट है दोस्तों, 50 गज से लेकर आप 100 गज, 200 गज, 300, 400, 500, आप जो भी अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ का जो मतलब आप कुछ हमारे भाई कहते हैं कि भाई हमें हमें पेमेंट का बताइए कि पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री किस्तें भी हैं, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता। इसमें केवल आपको जो एक्चुअल अमाउंट है उसी अमाउंट की वैल्यू को ही पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर मतलब आपको ये लगा लीजिए कि आपने केवल आपने अपना अमाउंट जो पहले डिसाइड हुआ वही पे करना है, कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज वगैरह कोई भी किसी भी को भी नहीं पे करना है। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आपके मतलब अगर आप कहेंगे तो एग्जीक्यूटिव घर आ जाता है। और अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं वो बहुत बेटर है, ऑनलाइन कर दीजिए। हर एक चीज़ की रिसिप्ट आपको मिलती है, बाकायदा रिसिप्ट आपको मिलेगी उनकी उनसे। अब हम रेट की बात करें, अगर रेट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेट बनते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है 5,000 रुपये गज से। अगर आप 50 गज का प्लॉट में मान के चलूँ तो 2.5 लाख का प्लॉट बनता है। तो 2.5 लाख का प्लॉट दोस्तों हाईवे के नियर बाई आपको मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2.5 लाख में दोस्तों आजकल कुछ भी नहीं होता है, बहुत छोटी रकम होती है। तो यहाँ अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका कुछ ज़्यादा लगेगा भी नहीं और आपके पास प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी ये चल रही है, आप जैसे आगे देख पा रहे हैं ये संस्कृति यूनिवर्सिटी पूरी ऑन रोड है, ये दोनों साइड पे है दोस्तों, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों साइड पे संस्कृति यूनिवर्सिटी है। और बाकायदा यहाँ पर होटल्स और जैसे ओयो वगैरह होटल हो गए, कुछ लोगों ने जैसे प्लॉट डाल के छोड़े हुए हैं वो हो गया। यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं दोस्तों, मतलब आपको मतलब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है पूरी, काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो पूरी आ चुकी है यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही मतलब वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और इस इन्वेस्टमेंट को आगे चल के आपके फॉर फर्दर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पूरा मैप है कंपनी का, तो कंपनी जो आगे चीज़ें देती है पूरी, जो आगे की बेल्ट है वो कमर्शियल है। यहाँ पर एक गेल की पाइपलाइन ऑलरेडी चली हुई है, ऑलरेडी बिछी हुई है, जो गैस की पाइपलाइन कहते हैं जिसे, ये अभी उनसे पूरे डिस्कस होंगे सब चीज़ें। ये दोस्तों ये देखो पूरा हाईवे पे ही है, ये प्रोजेक्ट हाईवे पे प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल भी है इसमें और वो भी है।
देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको मैप दिखा पा रहा हूँ, ये कॉमर्शियल बेल्ट क्या है। स्टार्टिंग इसमें कॉमर्शियल बेल्ट से स्टार्ट होती है सारी, दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे शॉप्स निकले हुए हैं। और जितना हम जैसे आगे चल रहे हैं, अभी इसी रोड पे हम आगे चल रहे हैं, तो ये आपका आगे, ये पहले कॉमर्शियल बेल्ट रहेगा, उसके बाद में फिर आगे इसके जो राइट हैंड साइड पे हम लोग टर्न लेते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपका, क्योंकि कारण सभी चीजें परचेजिंग वगैरह के लिए इजी हो जाएगा जब आपका कॉमर्शियल बेल्ट बिल्कुल नजदीक रहेगा तो। और जो हाईवे के नियर बाय की प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो आपका ट्रेवलिंग तो इजी हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ पर सारी फैसिलिटीज, क्योंकि हाईवे है तो सारी फैसिलिटीज, बस और उनकी सारी फैसिलिटीज इस हाईवे पे जरूर आएंगी आने वाले टाइम में, और भी जितनी भी मेट्रो या कुछ और आता है तो ये फैसिलिटीज ही होंगी। तो ये सारा जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा आपका आपका रेजिडेंशियल ब्लॉक है दोस्तों। ये हम अंदर आ गए हैं, यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से ये सारा आपका रेजिडेंशियल ब्लॉक है दोस्तों। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इधर का, ये हाईवे का है, ये हाईवे के आगे कॉमर्शियल बेल्ट है, और आगे थोड़ा सा ही आगे आते ही हमारा सारा रेजिडेंशियल ब्लॉक शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इजिली सस्ती सस्ते अमाउंट में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो दोस्तों जिसको भी यहाँ की प्रॉपर्टी लेनी है वो कांटेक्ट कर सकता है। अब मैं आगे दिखाता हूँ दोस्तों आपको पलवल साइड की प्रॉपर्टी। पलवल साइड में अगर हम मान के चलें कि पलवल की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर हम लोग आपको फ्लैट्स, विला, प्लॉट्स सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो सारी चीजें बन रही हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं, कुछ एक प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह की यहाँ पर सोसाइटी है ये वाली। चीजें रिमेम्बर रह जाती हैं। हमने तो सर देखो यहाँ पे बिजली पानी सीवर सब गिर के रख रखा है, अब जिसका माने भाई बनाओ सीवर भी गिर चुकी है इसके अंदर सर, दिखाई नहीं दे रहा। वैसी है ना टाइल्स वाली, इनके तो भर जाती है ना इसे, तो जहाँ जहाँ पर ये है ना, हाँ ये हमने सीवर के वो उस पे रख रखे हैं। अच्छा ये गली का वो ये आ रहा है कोना, ये जो ये ठीक है, क्योंकि ये जीना का जो स्टेयर्स है ना वो आपकी बिल्कुल आउटर है, सभी के लिए आउटर हो जाएंगी बिल्कुल।
आप इन्हें पूरे फिनिश करके दोगे? जी सर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और क्या क्या करोगे? मतलब हम वैसे फिनिश कर देंगे जो फुल्ली फर्निश्ड रहेगा। तो फर्निश छोड़ दो, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर हाँ। और आपकी सीवर सेट करके देंगे इसको? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सीवर आप पूरा सेट करके देंगे वगैरह सब चीज सेट करके इसमें किचन में पूरा सेट करके आपका। ओके, ये कितने फ्लोर कितने हैं इसमें? तीन है, ग्राउंड प्लस टू। और छत किसको मिलेगी? सबको, छत सबको। चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।